नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री, उसको आगे बढ़ाते हैं और उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कुछ डेरिवेशन, उसके बाद देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ सवाल। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर टू साइन ए कॉस बी, मतलब हम लोग उल्टा पढ़े थे, टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेम उसी तरह टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी हमने पढ़ा था कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी क्या पढ़ा था हमने कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो बात आता है कि इसको हम लोग फिर से क्यों लिख रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड इससे हम लोग फिर से कुछ फार्मूला को ड्राइव करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी को सी मान लेंगे और ए माइनस बी को हम लोग डी मान लेंगे। क्या करेंगे, ए प्लस बी को हमने यहाँ पे सी मान लिया और ए माइनस बी को हमने डी मान लिया। यहाँ से यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू ए बराबर आएगा सी प्लस डी, मतलब ए बराबर आ जाएगा आपके पास सी प्लस डी बाई टू। सेम इसी तरह हम लोग बी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास सी माइनस डी बाई टू। मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ ए प्लस बी लिखा हो उसको सी से रिप्लेस करेंगे और जहाँ जहाँ माइनस बी लिखा हो उसको डी से रिप्लेस करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी हमारे पास आ जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ ए प्लस बी लिखा हुआ है उसके जगह आपको पुट करना है सी, और ए माइनस बी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसके जगह पुट करना है डी, और ए जहाँ लिखा हुआ है उसके जगह सी प्लस डी बाई टू, और बी जहाँ लिखा हुआ है उसके जगह सी माइनस डी बाई टू। अब जैसे पुट कीजिएगा देखिए आपके पास किस तरह चेंज हो जाएगा ये फॉर्मूला। देखिए पहला तो आप देख लिए साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी मतलब कॉस सी माइनस डी बाई टू। देखिए ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, यदि आपको कहीं दिखे तो आपको क्या लगाना है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी यदि कहीं दिखे तो क्या करना है आपको, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी कहीं है तो उसके जगह क्या लगाना, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे देखिए कॉस डी माइनस कॉस सी होगा और वो किसके बराबर होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब यदि कॉस सी माइनस कॉस डी निकालना चाहते हैं तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और आप जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा और आप उसको उधर भेजिएगा तो कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा माइनस टू टाइम साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए इसमें याद रखने का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम बताते हैं, जब भी साइन सी प्लस साइन डी दिखे मतलब साइन का जब भी दिखे तो उसमें देखिए एक साइन रहेगा और एक कॉस रहेगा, और जब प्लस है तो यहाँ पे देखिए साइन के साथ प्लस रहेगा, जब माइनस है तो माइनस किसके साथ रहेगा, साइन के साथ, और उसके बाद कॉस के साथ। तो देखिए साइन के साथ यदि प्लस रहेगा तो कॉस के साथ माइनस, साइन के साथ यदि माइनस रहेगा तो कॉस के साथ प्लस, और साइन जब भी रहेगा तो उसके साथ साइन कॉस दोनों रहेगा फॉर्मूला में। सिर्फ कॉस रहेगा तो फॉर्मूला में सिर्फ कॉस रहेगा, और एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, और उसके बाद एंगल हाफ हो जाएगा। और यदि माइनस कर देते हम लोग कॉस के साथ तो मतलब दोनों किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन में यदि चेंज हो जाएगा तो यदि हम कॉस डी माइनस कॉस सी लिखते हैं तो फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन यदि कॉस सी माइनस कॉस डी लिखते हैं तो हमको माइनस साइन लगा के फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। ये था हमारा फॉर्मूला, और अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो सवाल में क्या दिया गया हमारे पास, साइन सेवन थीटा माइनस साइन फाइव थीटा डिवाइडेड बाय कॉस सेवन थीटा प्लस कॉस फाइव थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या करना है, प्रूफ डैट, पीटी मतलब प्रूफ डैट, इस सवाल में आपको प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग सवाल में देखते हैं, प्रूफ करते हैं हम लोग। तो आप देखिए LHS को यदि हम लोग लेते हैं तो LHS में हमारे पास दिया हुआ साइन सेवन थीटा माइनस साइन फाइव थीटा, मतलब साइन, अब ध्यान दीजिए तो इस एक एंगल इसको एक साथ मान सकते हैं और इसको एक साथ मान सकते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा होगा आप लोग को, और साइन सी माइनस साइन डी यदि दिख रहा है तो इसके जगह हम लोग फार्मूला पुट करते हैं टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, क्योंकि साइन दोनों जगह है तो साइन नेगेटिव होगा तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी बाई टू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सी प्लस डी तो सेवन थीटा और फाइव थीटा दोनों ऐड होगा तो कितना होगा, ट्वेल्व थीटा, उसके बाद डिवाइडेड बाई टू होता है हमारे पास, तो डिवाइडेड बाई टू, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाता है सिक्स, तो सिक्स थीटा हो जाएगा इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब जैसे सी माइनस करेंगे तो सेवन थीटा माइनस फाइव थीटा करेंगे तो होगा टू थीटा, और डिवाइडेड बाई टू तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा थीटा। सेम उसी तरह नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे हम लोग तो ये होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो कॉस सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस सिक्स थीटा इंटू
कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो कॉस सी माइनस डी बाई टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा थीटा। तो अब देखिए, तो ये टू और टू और कॉस सिक्स थीटा कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो आ गया हमारे पास टेन थीटा, प्रूफ हो गया। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। आप इसको आप बहुत बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला को, ठीक है। अब क्या कीजिए, एक ही फॉर्मूला को एक बार याद कीजिए, फिर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर याद कीजिए, फिर लिखिए, इस तरह करके याद करके लिखिएगा तो याद हो जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाइए तो आपके प्रैक्टिस में रहेगा, तो प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल सेम उसी तरह का दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस साइन थ्री ए, मतलब साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी। तो एल एच एस को फिर से पकड़ते हैं और इस बार लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो टू टाइम साइन सी प्लस डी बाई टू, तो ए प्लस थ्री ए होगा फोर ए डिवाइडेड बाई टू, कितना हो जाएगा टू ए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी करेंगे तो ए माइनस थ्री ए होगा माइनस टू ए डिवाइडेड बाई टू, तो होगा कॉस ऑफ माइनस ए, और आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस ए, नीचे टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो टू ए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो यहाँ पे भी कॉस ऑफ माइनस ए आएगा, जिसको हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं, तो कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा टेन टू ए, टेन टू ए, और यही देखिए आर एच एस में हमको प्रूफ करना था, तो ये भी प्रूफ हो गया हमारे पास। तो इसमें ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल है, आपको फार्मूला याद रखना चाहिए तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन 1 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको कितना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये सब सवाल को सॉल्व करने के लिए अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दीजिएगा सवाल में, अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ लिखा हुआ है 1 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ है 7 डिग्री, यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो 8 आता है, सेम उसी तरह यहाँ पे 3 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 8 आएगा, ठीक है। उसका डिवाइडेड करेंगे 4, तो कुछ तो होगा, इस दोनों को एक साथ रखने पे फॉर्मूला होगा, और इस दोनों को भी कुछ रखने पे कुछ आगे हम लोग अगला स्टेप तक बढ़ सकते हैं। सेम उसी तरह आप देखिए, यहाँ 1 डिग्री है और यहाँ 7 डिग्री है, तो इस दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा और इस दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, और साथ में रखने के साथ क्या करेंगे हम लोग, साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, तो 2 sin c + d/2 होगा, तो 8 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 4 डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसा करते ही वो बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस 3 डिग्री, तो कॉस ऑफ माइनस 3 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 डिग्री प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin 4 डिग्री, और यहाँ पे होगा 3 - 5 हो जाएगा -2 / 2 मतलब -1, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 1 डिग्री। देखिए हर जगह यहाँ पे कॉस ऑफ -1 आया, पहला टर्म में आया था हम लोग कॉस ऑफ -3 डिग्री, उसको हम लोग कॉस 3 डिग्री लिखें, क्यों लिखें, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेम उसी तरह कॉस ऑफ -1 डिग्री आया तो उसको हम लोग लिख रहे हैं कॉस 1 डिग्री, नीचे हम लोग लगाएंगे तो होगा 2 cos 4 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री प्लस इधर होगा हमारे पास 2 cos 4 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री, सेम माइनस आ रहा होगा लेकिन वैल्यू कॉस 1 होगा, किसको किसको लेके फॉर्मूला लगाएं, इसको इसको और इसको और इसको लेके कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएं, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या था आपके पास याद कर लीजिए, तो था 2 cos c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, अप्लाई किए ये आ गया हमारे पास। तो अब ध्यान दीजिए, तो 2 sin 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 sin 4 डिग्री कॉमन ले लिए हम लोग, कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारे पास कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 1 डिग्री, यहाँ से कॉमन लिए 2 cos 4 डिग्री तो अंदर बचा कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 1 डिग्री, बचेगा कॉस 4 डिग्री कॉमन आ चुका है, तो यहाँ से बचा कॉस 3 और यहाँ से कॉस 1। अब ध्यान दीजिए, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट जाएगा, दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से आ गया 10 4 डिग्री, इसका कितना वैल्यू आ गया आपके पास 10 4 डिग्री। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए सारा जितना भी क्वेश्चन है वो उसी तरह का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, जो आज हम लोग फॉर्मूला पढ़े उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कितना होगा, ऑप्शन दिया गया 1 2 3 4, ठीक 1 2 3 4,
देखिए पहले देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी दिख रहा है आपको, फिर साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा है, फिर साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है नीचे, फिर दिख रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी। जैसे फॉर्मूला लगाएंगे कुछ ना कुछ कटेगा, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर लगाते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग को फॉर्मूला लिखने माइनस टू लिख के हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो थीटा प्लस थ्री थीटा हो जाएगा, फोर थीटा डिवाइडेड बाई टू, तो हो जाएगा टू थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो थीटा माइनस थ्री थीटा, तो थीटा माइनस थ्री थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा माइनस थ्री थीटा हो गया माइनस टू थीटा और डिवाइडेड बाई टू, तो माइनस थीटा आएगा, मतलब इंटू यहाँ से आएगा साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो फाइव थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो थ्री थीटा। नीचे कितना आएगा हमारे पास, साइन सी माइनस साइन डी लगेगा यहाँ पे, तो टू टाइम साइन सी माइनस डी बाई टू, तो फाइव थीटा माइनस थीटा फोर थीटा डिवाइडेड बाई टू, टू थीटा होगा इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो होगा कॉस थ्री थीटा। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फार्मूला तो कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो कितना हो जाएगा फाइव थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो फोर थीटा माइनस ठीक थीटा माइनस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, वो होगा माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिए, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, ये टू टू कैंसिल आउट और ये टू टू कैंसिल आउट, ठीक है। साइन टू थीटा कैंसिल आउट, कॉस थ्री थीटा कैंसिल आउट, ये तो सारा कैंसिल हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा कैंसिल होने के बाद आ गया आंसर वन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया ए फॉर आगरा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए क्या दिया क्वेश्चन, प्रूव डैट साइन ए प्लस टू साइन थ्री ए प्लस साइन फाइव ए, साइन थ्री ए प्लस टू साइन फाइव ए प्लस साइन सेवन ए इज इक्वल टू साइन थ्री ए डिवाइडेड बाई साइन फाइव ए, प्रूव करना है। तो देखिए इसको सोचने का तरीका क्या हो सकता है हम लोग के पास, ये अब ध्यान दीजिए, तो साइन थ्री ए साइन फाइव ए बच जा रहा है, मतलब साइन थ्री ए साइन फाइव ए बच रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, साइन थ्री ए यहाँ पे भी है और साइन फाइव ए यहाँ पे भी है, तो पहला तो ये इस तरह से सोच सकते हैं कि इसको हम लोग को छोड़ना है पहले, उस ये दोनों का काम करना है, या फिर आप ऐसे सोचिए ये फाइव ए है और ये ए है, दोनों का ऐड करेंगे तो सिक्स ए, और उसका हाफ होता है एंगल, फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ से थ्री आएगा, और यहाँ देखिए आप सेवन ए है और यहाँ थ्री ए है, दोनों को ऐड करेंगे फिर डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो मतलब फाइव पे आएगा। तो इस दोनों को एक साथ रखते हैं एल एच एस में, दोनों को हम लोग क्या करते हैं एक साथ, साइन ए प्लस साइन फाइव ए तो इस दोनों को हमने साथ में रख लिया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, साथ में रख लिया, साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं इस दोनों में, सेम उसी तरह साइन सी प्लस साइन डी यहाँ लगाते हैं, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो थ्री ए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो आएगा हमारे पास टू ए प्लस टू साइन थ्री ए, तो है ही हमारे पास। सेम उसी तरह यहाँ पे लगाएंगे टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो होगा फाइव ए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो होगा टू ए प्लस टू साइन फाइव ए। अब ध्यान दीजिए, तो टू साइन थ्री ए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो टू साइन थ्री ए ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास कॉस टू ए प्लस वन, नीचे से हम लोग टू साइन फाइव ए कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा कॉस टू ए प्लस वन। अब टू और टू कैंसिल आउट, कॉस टू ए प्लस वन कॉस टू ए प्लस वन कैंसिल आउट, जो हम लोग चाहिए था वो प्रूफ हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फा बराबर पाई बाई 19 दिया गया है, देन पूछा जा रहा है साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आप अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा अभी तुरंत, तो मुसीबत होगा। क्यों मुसीबत होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा सॉल्व करने में, क्यों, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड टाइप में दिख रहा है पाई बाई 19, पुट करने पर कुछ असर नहीं हो रहा है। यदि आप थोड़ा और सोच सकते हैं तो आप ध्यान दीजिए, तो 23 माइनस 3 होता है 20 और 16 प्लस 4 होता है 20, मतलब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है साइन सी माइनस साइन डी और नीचे साइन सी प्लस साइन डी का। तो हम लोग लगाते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला ऊपर में, टू साइन सी माइनस डी बाई टू,
होगा साइन सी माइनस डी होगा, तो 20/2 हो जाएगा टेन अल्फा इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो कितना हो जाएगा कॉस 13 अल्फा। नीचे आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 10 अल्फा, कितना हो जाएगा कॉस 6 अल्फा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल आउट, और साइन 10 और साइन 10 अल्फा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल आउट। अब यदि हम लोग अल्फा की जगह पुट करते हैं तो क्या है यार, देखिए कॉस 13, अल्फा की जगह पाई बाई 19, 13 पाई बाई 19, और नीचे आ रहा है हमारे पास कॉस 6 पाई बाई 19। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये 13 पाई बाई 19 और 6 पाई बाई 19 दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, पाई आ रहा है ना, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करने पे पाई आ रहा है। तो देखिए पाई यदि आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला को जो एंगल लिखा हुआ उसको लिख सकते हैं पाई माइनस दूसरा का सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, क्योंकि दोनों पाई लिखा हुआ है, तो 13 पाई बाई 19 को क्या लिख सकते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो पाई माइनस 6 पाई बाई 19, नीचे लिखा हुआ हमारे पास कॉस 6 पाई बाई 19। अब देखिए कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो जैसे माइनस कॉस थीटा पुट करेंगे हम लोग, ऊपर होगा माइनस कॉस 6 पाई बाई 19 और नीचे कॉस 6 पाई बाई 19, उसका इंतजार कर रहा होगा और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हो जाएंगे -1। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया -1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर 10 2 थीटा, ये तो प्रूफ करना है इसमें। और इसमें आपको साइन सी प्लस साइन डी भी नहीं दिख रहा होगा, साइन सी माइनस साइन डी भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अभी कुछ देर के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है 10 2 थीटा। ठीक है, साइड कर देते हैं उसको, 10 2 थीटा हम लोग इसको LHS मान लेते हैं। हम लोग क्या किए, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए 2 से करने से क्या होगा, 2 और 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2/2 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब देखिए इसका करने से क्या होगा, तुरंत आपके दिमाग का बत्ती जल जाएगा, ऐसे मेंटोस खाने जलता है लेकिन ऐसे भी जल जाएगा, 2 sin 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 sin 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 sin 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। आया ना, हाँ अब समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, ऊपर में 2 sin a cos b, नीचे 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, हाँ वही लगा सकते हैं हम लोग। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला तुरंत याद होना चाहिए, तो यदि याद नहीं है तो हम बताते हैं क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी, तो साइन ऑफ a प्लस बी करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 9 थीटा प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, ये करने पे आएगा हमारे पास साइन 7 थीटा। ये हो गया पहला, माइनस साइन देके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी, तो साइन 6 थीटा प्लस 3 थीटा होगा 9 थीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो होगा 6 थीटा माइनस 3 थीटा 3 थीटा। अब नीचे 2 cos a cos b लगेगा, अब 2 cos a cos b क्या होता है, तो 2 cos a cos b होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो होगा हमारे पास 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा माइनस, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 2 sin a sin b लिखा हुआ है, तो 2 sin a sin b क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 थीटा माइनस 4 थीटा करेंगे तो आएगा तो माइनस थीटा, लेकिन कॉस के अंदर है तो वो बन जाएगा थीटा। ठीक है, और माइनस साइन के साथ कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा 7 थीटा, कॉस ए प्लस बी 7 थीटा हो गया हमारे पास। अब देखिए यदि ये 7 थीटा हो गया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन 9 थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, ऊपर में बचा साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, तो आप ऊपर में देख रहे होंगे साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बचा, और नीचे हमारे पास बचा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा,
ऊपर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो फाइव थीटा साइन सी माइनस साइन डी है, सॉरी साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, टू कॉस होगा सी प्लस डी बाई टू, तो फाइव थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो हो जाएगा टू थीटा डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो माइनस फोर थीटा डिवाइडेड बाई टू माइनस टू थीटा, अगेन हमारे पास आ जाएगा टू थीटा, और टू कॉस फाइव थीटा टू कॉस फाइव थीटा कैंसिल आउट, आ जाएगा टेन टू थीटा, यही हमें प्रूफ करना था, तो आ गया हमारे पास टेन टू थीटा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो फार्मूला लगा, पहले तो टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, ये तीन फार्मूला लगा, फिर सी प्लस डी वाला फार्मूला लगा हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग अगले सवाल में देखते हैं, तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, साइन अल्फा दिया हुआ है थ्री बाई फाइव, कॉस बीटा दिया हुआ है थ्री बाई फाइव, बोला गया साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ओ ये बात है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया गया है, तो देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पुट करना है हम लोग को, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन अल्फा तो हमें पता है थ्री बाई फाइव, कॉस अल्फा भी पता है कितना थ्री बाई फाइव माइनस, अब कॉस अल्फा और साइन बीटा निकालना है, कॉस अल्फा और साइन बीटा निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कहाँ पे है, यदि आप देखेंगे तो अल्फा बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, अल्फा सेकंड और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट दिया गया है बीटा, तो कॉस बीटा का वैल्यू माइनस थ्री बाई फाइव होना चाहिए, सिर्फ थ्री बाई फाइव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप याद कीजिए इसको, इसमें सब पॉजिटिव रहता है, इसमें साइन और इसका उल्टा कॉसेक, और इसमें टेन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक थीटा, तो यदि यहाँ बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, अल्फा सेकंड में है तो वो तो सही है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव दिया वो तो बात सही है, लेकिन बीटा यदि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस बीटा तो माइनस थ्री बाई फाइव देना चाहिए, फिर थ्री बाई फाइव तो सिर्फ होगा नहीं, क्योंकि बीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं माइनस थ्री बाई फाइव। अब देखिए अब हमको चाहिए कॉस अल्फा का वैल्यू और साइन बीटा का वैल्यू, तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू और, तो आप ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं आप, तो ट्रायंगल हम लोग किए, तो देखिए ये एंगल अल्फा मान लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या दिया हुआ साइन अल्फा थ्री बाई फाइव मतलब पी बाई एच, तो ये कितना हो जाएगा फोर, तो कॉस अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास फोर बाई फाइव, और यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं अगला ट्रायंगल जिसको हम लोग यहाँ पे बीटा मान लेते हैं, तो ये दिया गया हमारे पास माइनस, तो माइनस तो यहाँ पे तो क्वाड्रेंट में है, तो वैल्यू यदि देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये होगा थ्री और ये फाइव, तो ये कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या होता है साइन क्या होता है पी बाई एच, और कॉस क्या होता है बेस बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से साइन बीटा निकाल लेंगे हम लोग, तो साइन बीटा कितना आएगा हमारे पास पी बाई एच मतलब फोर बाई फाइव। ठीक है, कॉस अल्फा इतना आ गया, साइन बीटा इतना आ गया, दोनों सेम आ गया, लेकिन हम लोग साइन देख समझ के रखेंगे यहाँ पे, कॉस अल्फा बोला गया है, अल्फा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस अल्फा फोर बाई फाइव नहीं होगा माइनस फोर बाई फाइव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, साइन बीटा, साइन बीटा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है बीटा, तो साइन यहाँ पे साइन भी यहाँ नेगेटिव होगा, तो हो जाएगा माइनस फोर बाई फाइव, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास माइनस नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, माइनस माइनस प्लस होगा और फिर माइनस, तो माइनस सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव, यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव एलसीएम माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन मतलब माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव माइनस वन। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा आपके पास, समझ में आया, क्या किया हम लोग, पहले साइन अल्फा माइनस बीटा पूछा था तो उसका वैल्यू पुट किया हम लोग, मतलब उसका फॉर्मूला, अब हम लोग देखें कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में दिया बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा दिया हुआ है, तो
तो वहाँ से हम लोग कॉस अल्फा और साइन बीटा निकाल लिए। तो ये तो सिर्फ था वैल्यू का बात, अब हम लोग को देखना था कि यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होता है, नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव रखें। तो यहाँ पे आया 16/25, माइनस दिया हुआ था, फिर इसको सॉल्व कर दिया हम लोग। तो जैसे सॉल्व किया हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कितना है आंसर, -1। आशा करते हैं आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी क्योरी हो, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।